Hardik Patel, the leader of the Patel Reservation Movement in Gujarat and a major critic of the Narendra Modi government, will be the face of the Shiv Sena in Gujarat's assembly polls. In a joint press conference with Uddhav Thackeray, Hardik Patel says he is a fan of Bal Thackeray. ये वीरों की भूमि है और जिस घर में बैठे वो भी एक महान वीर थे मेरे ख्याल से और पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और यहाँ जो भी यहाँ से फैसले लिए गए वो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान ने अपने सिर पर रखकर माने गए। बाला साहब ठाकरे को जो मैं नहीं देख पाया था उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आकर उनको प्रणाम किया और उनके रूम में जाकर वही सुकून मिला जैसे वो आज भी उनकी हुकूमत के साथ बैठे। हम जहाँ भी अच्छा कार्य होता है अच्छे लोगों के साथ खड़े रहने का पसंद करते हैं। आदित्य भी हमारी उम्र के हैं, शायद हमसे बड़े हो गए, लेकिन अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छे विचार दूसरों के साथ ले जा रहा, दूसरों को समझा रहा, इसलिए हम यहाँ पर आए थे। पॉलिटिकल विजन दोस्ती में नहीं होता या परिवार में नहीं होता। यहाँ पर जो आए वो दोस्त के नाते आए, प्रणाम करने के लिए आए थे और बड़ों के आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, ताकि जो लड़ाई लड़ रहे हैं समाज हित के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए और कुछ ऐसा राजनीतिक परिवर्तन जहां पर लोगों को न्याय दिला सके, बस इसी के लिए आए थे यहां पर। और जहां भी जरूरत पड़ेगी हम इन परिवार के नाते इनके साथ खड़े रहेंगे, जहां भी जरूरत किसी भी प्रकार की। और मैं बाला साहब ठाकरे का बड़ा फैन हूँ, इसीलिए फैन हूँ कि उनके विचार, उनकी ताकत, उनका जोश, उनका जुनून जो हर एक युवा दिल के लिए, हर एक हिंदुस्तानी के लिए वो एक बड़ा था। The state's 182 constituencies will go to polls later this year, with the Bharatiya Janata Party fighting anti-incumbency.